हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ आज मैं जा रही हूँ मेला हमारे घर की तरफ मेला लग रहा मेरे को ना मेला बहुत ज़्यादा पसंद है झूले में झूलना मेला हो सर्कस हो मेरे को हर जगह बोलो कि मानसी चल और मैं ऐसे भी नहीं सोचती अरे यार क्या जाना छोड़ना नहीं मेरा ये रहता है हाँ चल 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 ठीक है ठीक है मैं रेडी रहती हूँ तो आज मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ नहीं जा रही हूँ आज मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ बिला और मेरी मम्मी, मम्मी भी तैयार हो रही है चलो मैं आप सभी को दिखाती हूँ मेरी मम्मी तैयार हुई है कि नहीं हुई चलो फिर चलते हैं घर के अंदर आ गई मम्मी हेलो मम्मी आज मेले में करेंगे ना मस्ती yeah. चलो आज हम अपने जो फ्रेंड्स हैं सभी को आज कोरोद्वार का मेला दिखाएंगे ना डाट बेला डाट अच्छा बेला डाट में ना हम जैसे जहाँ हम रहते हैं उससे थोड़ा दूर बेला डाट एक जगह है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं मेले देखने का चलो फिर आप भी हमारे साथ आप सभी को आज हम मेला घुमाएंगे हमारे कोटद्वार का मेला बिरा डाट एक जगह है कोटद्वार में तो वहीं पे मेला हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एक फ्लावर मिला कितना अच्छा फ्लावर है ये और रोड में लग रखा है देख सकते हैं आप लोग अब चलते हैं आगे पहुंच चुके हैं बेला जहां जहाँ मिला है बट मिला दस मिनट दूर है तब तक आप लोग देख लीजिए कि मैं किस रास्ते जा रही हूँ हमारे घर की तरफ ही है ये जगह बेला बट ऐसा हो रखा था कि काफ़ी दिन से हम लोग बिज़ी भी चल रहे थे और मेरे को ये था कि यार कोई आ नहीं रहा कोई फ्रेंड्स आ नहीं रहे तो फिर मैं भी नहीं गई मिला तो फिर मेरी मम्मी ने कहा चल तू और मैं चलते और फिर ऐसे तो हो ही नहीं सकती मैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं मिले के लिए मना करूं तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं एकदम से हमारा प्लान बना फिर उसके बाद हम लोग चलने लग गए तो आप लोग देख सकते हैं भी तो अभी यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं क्योंकि अभी बज रहे हैं। शाम के साढ़े चार तो हम लोग आराम से जा रहे थे मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी स्कूटी में चलते हैं मम्मी ने कहा दस मिनट का तो रास्ता है उसमें भी पैदल नहीं चला जा रहा मैंने कहा चलो कोई नहीं पैदल ही चल लेता है अपना इवनिंग वॉक भी हो जाता है थोड़ा चल के फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सनसेट यहाँ पे हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के चलो अब चलते हैं मीला मेरी मम्मी तो आगे आगे चल रही है और मेरे को अकेले छोड़ दे मम्मी को मम्मी की दोस्त मिल गई थी मेरे मेला ऐसी होता है कहीं मम्मी के साथ जाती जाते दादी के साथ कोई ना, कोई मिल जाते मिल जाता है बेचारी मैं अकेले रह जाता रोड देख सकते हैं पूरी खाली हो रखी है अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मेला तब तो हम मेले में खेलेंगे झूला आज मैं आप सभी को मेला हम लोग पहुंचने वाले जहां मेला हो रहा है और एकदम से ना मेरे ना पीछे ना उर्वशी आ गई भाव बल दीदी बल है गुस्से से बोला उसने उसका ना मूड ऑफ हो रखा था मैं आप सभी को बताऊंगी उसका ना मूड ऑफ क्यों हो रखा था और मेरा पीछे पीछे क्यों आई हमारे साथ क्यों नहीं आई उर्वशी भी आ चुकी है वो हमारे पीछा कर रही थी उर्वशी हमारा वो देख सकते हैं मेरी मम्मी भी आ रही कह रही मेरे को वीडियो में मतलब उसका ना मूड ऑफ हो रखा है नहीं मिला रही वीडियो में खुश बंद कर कैमरा उर्वशी का हो रखा है मूड ऑफ चलो कोई नहीं मिला जाके हो जाएगा ठीक चलो हम लोग पहुंच चुके हैं मिला वो पहुंच चुके हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी चरखी और और में बगल में वहाँ पे ड्रैगन भी था और रोड में बैलून भी लग रखे थे अब मैं आप सभी को अंदर दिखा दूँ कि अंदर कौन कौन से झूले लग रखे हैं और कौन कौन से स्टॉल लग रखे हैं और सबसे पहले जब मैं गई तो यहाँ पे मेरे को क्यूट सा बेबी दिखा आप देख सकते वीडियो में मेरे को हाई कर रहा था फिर उसके बाद यहाँ पे आइसक्रीम भी लग रखी थी और गुड़िया के बाल ओहो बचपन में हर किसी को पसंद है मेरे को तो अभी भी पसंद है और इसको तो कॉटन कैंडी बोलते हैं आप लोगों को पता ही होगा और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी स्टॉलें लग रखी थी खाने की स्टॉल भी थी साइड और बहुत सारी स्टॉल थी मैं आप सभी को धीरे धीरे दिखाती हूँ इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा मेरे को मेले में जाके मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करा फिर यहाँ पे उर्वशी ऋषि का थोड़ा मूड ठीक भी हो चुका था फिर उर्वशी अपने के लिए शॉपिंग करने लग गई थी आप लोग देख सकते हैं कुछ ना कुछ वो देख रही थी तो मैंने उससे पूछा तेरा मूड ऑफ क्यों रखा है कह रहे तुमने मेरे को नहीं बताया कि मैं मिला जा रहा हमने उसको बोला था तो आई नहीं बट कोई नहीं अब उसका मूड ठीक हो गया उसके बाद फिर हम घूमने लग गए आप लोग भी देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे पर्स लग रखे थे फ्लावर्स ने मेरी मम्मी देख रही थी कि आर्टिफिशियल मैं फ्लावर देखती हूँ बट फिर मम्मी ने नहीं लिया पता नहीं क्यों नहीं लिया फिर यहाँ पर उर्वशी अपने के लिए देख रही थी स्क्रंचेस हेयर बैंड क्लिप्स तो फिर मैं भी देखने लग गई और मैं अपने के लिए रिंग देख रही थी पर मेरे को मेरे साइज़ की नहीं मिली बट उर्वशी अपने के लिए शॉपिंग करी जा रही थी कभी लिपस्टिक देख रही थी कभी कुछ देख रही थी बट हाँ छोटी बच्ची तो हम उसको मना करते हैं कि उर्वशी मत करी उस तो उसने नहीं लिया फिर उसके बाद हम लोग एक और दुकान में चले गए थे बट उर्वशी को यहाँ की चीजें पसंद आ रही थी उर्वशी फिर भी देखी जा रही थी देखी जा रही थी और मास् देख रही थी कभी कुछ देख रही पे देख सकते हैं उर्वशी यहाँ पे शॉपिंग कर रही मम्मी खड़ी हो रखी थी कि इस वाले झूले में खेलेंगे उस वाले झूले में खेलेंगे फिर यहाँ पे जब उर्वशी यहाँ पे अपने लिए शॉपिंग कर रही थी यहाँ पे ना हमें ना बगल में ना एक गेम मिल गया मैं आप सभी को ना वो गेम दिखाते कौन सा हम लोग पहुंच चुके हैं उस गेम में जिस गेम के बारे में मैं आप सभी को बता रही थी कि अब हम लोग जा रहे गेम खेलने तो इस गेम में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम लोग को ना रिंग मिलती है और बहुत सारा सामान लगा देना है कि जो आपने जो रिंग है आपको वहाँ पे निशाना लगाना अगर आपका निशाना लग गया तो वो गेम में आप जीत गए और आपको वो चीज़ मिल जाती है तो मेरी मम्मी ने यहाँ पर निशाना लगाया है मेरी मम्मी का नहीं गया फिर मेरी मम्मी ने दूसरी बार ट्राई करा अब देखते हैं मम्मी का जाता है कि नहीं जाता है मम्मी ट्राई कर तो रही थी कि पहली बार में नहीं गया दूसरी बार मैं एकदम डाल के रहूँगी और चीज़ एकदम ले कर रहूँगी बट मेरी मम्मी का नहीं गया फिर उर्वशी ट्राई कर रही थी मैंने कहा चलो उर्वशी ट्राई कर तो देखते हैं उर्वशी का जाता है कि नहीं जाता है उर्वशी का तो सीधा ही नीचे गिर गया फिर उर्वशी सेकंड बार में ट्राई कर रही थी बट नहीं गया अब फिर मेरी टर्न थी अब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरा तो कभी जाता ही नहीं है सच बोलूँ मैं बट मैं तभी भी गेम खेलती हूँ देख सकते नहीं गया मैंने पहले ही बोल दिया था हार नहीं मानी चाहिए ना फ्रेंड्स कभी ना कभी तो जाएगा ट्राई करनी चाहिए बट मेरा दोनों बार में नहीं गया फिर वहाँ पे हमको बगल में एक शॉप मिल गई थी गॉगल्स की तो मम्मी उर्वशी ट्राई कर रहे थे कि ये अच्छा है वो अच्छा है तो उर्वशी का भी मुँह ठीक हो गया था फिर वो देख रही थी फिर मैं उसको देख रही थी मैंने कहा ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी फिर मम्मी ने उसको बताया कि ये वाला ले तो मैं आप सभी को भी बताऊंगी कि हमने कौन सा वाला लिया है फिर मेरी मम्मी भी ट्राई कर रही थी मैं मम्मी ठीक है अच्छा लग रहा है बट मम्मी ने कहा नहीं लिया मम्मी ने फिर मैंने ट्राई करा मम्मी ने कहा फेस में ना शूट नहीं कर रहा है तेरे तो फिर मैंने नहीं लिया अब जो मैंने ले रखा है मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगी फिर यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर साइड बैग लगे रखे थे बैग लगे रखे थे वॉच लग रखी थी तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी में थी ये चर्ण उच मम्मी ने कहा ना 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 ये लेल है तो फिर हमने नहीं लिया बट अच्छी अच्छी चीज़ें लग रखी थी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ फिर वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी अच्छी ना रिंग्स मिली तो मैंने कहा चलो मैं रिंग्स ही ले लेती हूँ तो मैं रिंग्स देख रही थी थम रिंग थी बहुत अच्छी 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 रिंग्स थी बट मेरे साइज़ की ना मुझे एक भी नहीं मिली आप लोग देख सकते हैं बहने का ट्वेंटी रुपीज़ की तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले लूँगी बट मेरी एक भी साइज़ की मेरे को नहीं मिली सब बड़े बड़े साइज़ के थे आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कोई भी मेरे साइज़ का नहीं था तो फिर मैंने नहीं ली क्योंकि जब वो मेरे साइज़ का नहीं था तो फालतू में क्यों लेना है ना फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे बगल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई थी लकड़ी की चीज़ें थी आप लोग देख सकते हैं सब वो कुछ बहुत अच्छा कलेक्शन था यहाँ मेले में मैं आप सभी को दिखाती हूँ यहाँ पे मतलब यहाँ छोटी छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें सब लकड़ी की बन रखी थी मैं आप सभी को और चीज़ें दिखाती हूँ तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये ले लें मम्मी ने कहा पहले से घर में इतनी सारी चीज़ें तो काय के लेनी है तो मम्मी लोगों के साथ तो यही हो जाता है फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं तो हमने नहीं लिया तो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ बहुत अच्छा लग रखा था फिर उसके बाद हमको लग गई थी भूख हमने कहा चलो यहाँ पर कुछ खा लेते हैं बहुत अच्छे यहाँ पे स्टॉल लग रखा था बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे बर्गर था और यहाँ पे समोसा था जलेबी थे छोले भटूरे थे टिक्की थे अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मेरे मुँह पे लाला जी आ रहा था जब मैं ये चीज़ें देख रही थी और आप लोग भाई भी लालच आ गया इतनी सारी चीज़ें देख के मेरा तो सच में आ रहा था बट बट मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं शाम को चाय पी के आई थी तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा था तो फिर यहाँ पे उर्शी ने अपने के लिए चाउमीन ले ली कि भैया अपन मेरे को चाउमीन दे दो तो भैया ने चाउमीन दे दी थी फिर उर्शी आराम से बैठ गई थी कि भाई मैं तो आराम से बैठ के खाऊँगी क्योंकि वहाँ पर चेयर्स का भी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था कि आप लोग चेयर में बैठ के खा सकते हैं फिर उसके बाद अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था आप लोग देख सकते हैं शाम के समय तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था लड़ियाँ भी अच्छी लग रही थी क्योंकि लड़िया से एकदम डेकोरेट कर रखा लड़ियाँ हो गई बल्ब हो गया तो सारे बल्ब से डेकोरेट कर रखा था रात को तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे फिर उसके बाद मैंने कहा मम्मी मेरे को ड्रैगन में खेलना है तो मम्मी ने कहा हाँ जा ले तो फिर यहाँ पर ड्रैगन का टिकट वो भी पचास रुपये का हो गया था महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई बट हमको खेलने से मतलब था तो फिर मैंने टिकट ले लिया था अतः मैं अपनी वेट कर रही थी कि मेरी टर्न कब आएगी क्योंकि पहले से वहाँ पे खेल रहे थे लोग मैं जल्दी जल्दी बाजी में टिकट ही देना भूल गई थी भैया को फिर मैं टिकट दे के खड़ी हो गई अपनी लाइन में अब आप लोग देख सकते हैं एकदम मैं खड़ी हो चुकी हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मेरे को ना डर नहीं लगती मैं काफ़ी टाइम से खेलती हूँ तो जिस लोगों को डर लग रही तो प्लीज़ खड़े होकर मत करिए बैठ ही हम बैठ के बैठ सकते हैं आप लोग क्योंकि मैं को डरने लगती ना मेरा सर दर्द होता है तो मैं आराम से और मैंने पकड़ भी रखा था ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ पर था पकड़ने का तो मैंने पकड़ा हुआ था पड़ा हुआ था वो और वहाँ पर लड़कियाँ भी बैठ रही थी मेरे काफ़ी पीछे वो लोग भी चलाए जा रहे थे इंजॉय कर रहे थे हम लोग बहुत अच्छा लगा मेरे को ड्रैगन में बैठ के मेनली मेरे को तो डर नहीं लगती इसलिए मैं खड़ी हो रही थी और जो जिसको डर लगती तो प्लीज़ आप लोग ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए आप लोग बैठे ड्रैगन में या चरखी मगर आपको डर लगती है अगर आपको सर दर्द होता है तो प्लीज़ आप लोग मत खिले क्योंकि ये डेंजर भी है क्योंकि जिसको डर लगती है अगर वो वहाँ चले गए तो बहुत परेशानी हो जाती तो मेरे को तो डर नहीं लगती है क्योंकि मैं मतलब जब बचपन से ही मतलब काफ़ी ड्रैगन और चरखी में मैंने खेल चुका है तो मेरे को डर नहीं लगती तो मैं तो हमेशा ही खेलती हूँ मेरा कॉन्फिडेंस है इतना है कि मैं मतलब जा सकती हूँ मतलब डर नहीं लगती मेरे को ऐसे वॉमिटिंग वगैरह भी नहीं आती काफ़ी लोग थे वहाँ जिनका तो सर घूम फिर मैं यहाँ मज़े से झूले में इन्जॉय कर रही थी बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को झूला मैं मेरा मेनली सी चीज़ को जाती हूँ या तो झूले में खेलने के लिए या तो मेले में घूमने के लिए यही चीज़ें रहती हैं मेरी फिर उसके बाद मैं आ रही थी तो रोशी वीडियो बना रही थी मेरे को तो पता ही नहीं चला उसने कब वीडियो बनाई जब मैं नीचे आ रही थी फिर रशी ने कहा कि दीदी दी आपने तो खेल दिया अब मेटन है तो अब देख सकते हो हैंशी बोली चलो चलो बल दूसरे झूले हैं फिर मम्मी लोग वहाँ पे बगल में वहाँ पे छोटे बच्चों का ही था छोटे बच्चों का झूला था वहाँ पे तो मम्मी ने कहा मैं भी उसी में खेल लूँगी तो फिर मम्मी भी चली गई उर्शी के साथ तो इस गेम का नाम था झूले का नाम था ड्रैगन ट्रेन मतलब ट्रेन थी वही तरीके से बट उसमें ड्रैगन का उन्होंने ना लुक दे रखा था फिर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पे काफ़ी लोग थे यहाँ रखे थे बहुत अच्छा मेला था ये काफ़ी बड़ा भी था फिर मम्मी लोग यहाँ पे टिकट देख रहे थे टिकट भी पचास रुपये की हो गई महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई बट कोई नहीं हम लोगों को इन्जॉय करना था तो हम लोगों ने ले ली मेरी टिकट भी वैसे पचास रुपये की थी ड्रैगन में वो भी एक इंसान का पचास रुपये कितना ज़्यादा हो गया है रेट आप लोग देख सकते हैं मम्मी और जा रहे हैं अपने के लिए झूले में खेलने के लिए और यहाँ पे टिकट चेक करवा रहे हैं वो अपना फिर उसके बाद मैं भी ऊपर चली गई थी क्योंकि मेरे को उनकी छोटी सी वीडियो लेनी थी फिर मैं भी ऊपर चली गई थी फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उर्वशी और मम्मी सीट ढूंढ रहे हैं कि हमको सीट मिल जाए सीट मिल जाए अब देखते हैं सीट मिली कि नहीं मिली मम्मी लोग को फाइनली मम्मी या उर्वशी को सीट मिल गई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मम्मी भी क्योंकि मम्मी ने किसी झूले में नहीं खेला था आज मेले में नहीं तो मम्मी खेल लेती है आप अब आप आपको मैं दिखाती हूँ ये कैसा गेम है और कैसा झूला है ये आप मैंने आपको कहा था ना कि ट्रेन की तरह है और इसका ना लुक दे रखा है एकदम ड्रैगन की तरह यहाँ हर एज के बच्चे खेल रहे थे यहाँ बच्चे लेडीज मतलब हर एज के इसमें खेल सकते थे अच्छा झूला था ये कि जिसको अगर चरकी ड्रैगन में डर लगता है तो वो ये वाला गेम भी खेल सकते थे मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पहले तो मैं भी इसमें जा रही थी बट एक में सिर्फ दो ही बैठ सकते थे तो मेरे को अकेले बैठना पड़ता तो फिर मैं नहीं गई क्योंकि मैं उसी समय ड्रैगन में खेल के आई थी अपना तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं मम्मी तुम और ऋषि खेल लो अब आप लोग देख सकते हैं दोनों के दोनों आ चुके हैं एकदम मस्ती करके अपनी मम्मी तो कोई ज़्यादा ही खुश दिया मम्मी की फेस में खुशी देख सकते हैं फ्रेंड्स फिर यहाँ पे हमने जो गॉगल्स दिया था फिर उसके बाद मैंने भी इसको पहन के देखा तो ये भी मेरे फेस में ठीक ही लग रहा था मम्मी ने कहा ले ले एक फिर उसके बाद हम अब जा रहे हैं घर क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी रात तो वैसी हुई नहीं थी शाम के छा ही बज रहे बट रात अंधेरा ज़्यादा ही हो रहा है आजकल फिर उसके बाद हमको यहाँ पे बगल में एक दुकान दिखी मम्मी ने कहा घर के लेवल कुछ ले लेते हैं फास्ट फूड तो मम्मी लोग देखने लगे तो मैं यहाँ पे पेस्ट्री देख रही थी कि क्या पता मैं पेस्ट्री खा लूँ या कुछ खा लूँ तो फिर रशी भी देख रही थी तो रशी ने अपने के लिए अपनी फेवरेट चीज़ मंगा चुकी है आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं मेले से और यहाँ पे हमको एक शॉप मिली तो मम्मी ने समोसे पैक करवा दिए घर के लिए और यहाँ पे खा रही है तो क्या खा रही है आप लोगों ने कैसे कर दिया फेवरेट चीज आज का ब्लॉग मेरे कमेंट करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे आपको आज का ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक करें करे कमेंट करें और सब्सक्राइब तो करें बाय